एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मेरा नाम है हिमांशी और मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अमेजिंग वॉल डेकोर आइडिया। वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर में भी दिया हुआ है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड और उसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया जेसो। तो सूखने के बाद यहाँ पे मैंने ये स्केच बनाया है और ये स्केच बनाने के बाद हम एक मिरर भी यूज़ कर रहे हैं उसके साइड में। सो ये हम मिरर वॉल हैंगिंग बना रहे हैं। तो इसके बैकग्राउंड में मैंने कलर किया है ब्लैक। सो मैं कलर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ सेम हमेशा की तरह एक्रेलिक कलर्स। तो हम हमेशा की तरह डिटेलिंग पार्ट भी करेंगे। तो अभी जो बड़ा बड़ा चीज़ हमें पेंट करना है ना, तो वो हम पूरा अच्छे से पेंट कर लेंगे। तो मैंने इसका बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन रखा है ब्लैक एंड रेड। सो ये मेरा पूरा अच्छे से पेंट हो गया है। तो अब मैं इस को जो इनका स्किन टोन है वो अब पेंट करना शुरू करूँगी। सो काफ़ी इसमें कुछ चीज़ें हाइलाइटिंग पार्ट्स है, तो यहाँ पे मैं इनका थोड़ा सा मेकअप करते हुए तो ये यहाँ पे मैंने जैसे मैंने बताया थोड़ा सा मेकअप करते हुए, तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा मेकअप हो चुका है। सो अब हमारा डिटेलिंग पार्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमने डिटेलिंग पार्ट भी करना है, तो हमने डिटेलिंग पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है वहाँ पे मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं दो कलर्स में, एक येलो एंड एक स्काई ब्लू। अगर आपके पास मरला आर्ट वाले टूल्स है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप पेंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मिरर फिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने फ़िक्स किया है ग्लू गन की हेल्प से एंड साथ ही मैं क्ले यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें बहुत हाईलाइट करनी है जिससे चीज़ बहुत ज़्यादा निकल के आए, बहुत सुंदर लगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने मिरर की साइड में क्ले यूज़ किया एंड वैसे ही मैं ये जो औरत है उसके जो साइड का ये पल्ला है इस साइड में मैं क्ले का ही यूज़ करूँगी। एंड जैसे कि इसका जो ब्लाउज़ की स्लीव्स है उस पर मैं ये क्ले पार्ट क्ले यूज़ करी है। तो बस यही सब चीज़ें होती है जिससे चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है एंड आपको बहुत मन करता है कि वो चीज़ आपको बनाने में। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। अब हमें इसे सिर्फ पेंट करना है। तो हम जैसे कि मैंने बताया हाइलाइटिंग पार्ट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लिटर का यूज़ करूँगी जिससे चीज़ मेरी अलग से शाइन मारे। तो यही सब चीज़ें हैं। तो अब भी हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बाद में हमें वार्निश करना है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव अ थम्स अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।